गाई जा क्या रोना, गाई जा क्या रोना, गाई जा क्या रोना, गाई जा क्या रोना। मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना, मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा। हेलो दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के इस कार्यक्रम में मैं पारमिता गोस्वामी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा कार्यक्रम है हंगामा, यानी कि हम सच में हंगामा करेंगे आपके साथ। बिल्कुल दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेके आए हैं चुनिंदा बॉलीवुड सॉन्ग्स। लेकिन आज हमारे इस कार्यक्रम में हम उनको याद करना चाहते हैं जिनके बिना कोई भी शुभ कार्य या कोई भी कार्य संभव ही नहीं उनके आशीर्वाद के बिना। जी हाँ दोस्तों, वो हैं हमारे परिवार के बुज़ुर्ग। आज बुज़ुर्गों के लिए ही हम ये कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। आज बुज़ुर्गों को हम याद करना चाहते हैं क्योंकि वो हम में से हर एक की रीढ़ की हड्डी हैं, चाहे वो नाना नानी के रूप में हो, चाहे वो दादा दादी के रूप में हो, बुआ ताऊ चाचा चाची मामा मामी ऐसे किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो हम उन सब बुज़ुर्गों को आज नमन करते हैं। हमारे साथ आज जुड़ी हैं नेहा त्रिवेदी जी और मंजुला जैन जी। आइए इन्हीं से सुनते हैं कुछ दिल की बातें। जिनके आंचल तले भागती जिंदगी राहत की सांसें लेती हैं, जिनकी बातें बातें नहीं दवा होती हैं जिंदगी की परेशानियों की, जिनका साथ साथ नहीं साया होता है विशाल वृक्ष का, जो हमें अपने तजुर्बे से जिंदगी का पाठ सिखाते हैं, जिनकी वजह से जिंदगी में उजाला और घर में रौनक होती है, वे हमारे बुजुर्ग होते हैं। हाँ तो साथियों, आज दिल की बात शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा यानी कि नेहा त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करते हैं घर के बुजुर्गों की, जिनकी वजह से हम और आप बने हैं। वे आज उम्र के उस पड़ाव में हैं जहाँ उनकी आंखें कमजोर और हाथ पर शिथिल पड़ चुके हैं, जिन हाथों ने उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया है, उन्हें सहारे की जरूरत है। हमारे प्यार की, हमारे मृदुल वाणी की और हमारे स्पर्श की आवश्यकता है। जब भी मैं आपसे दिल की बात करती हूँ तो अपने ज़िंदगी के अनुभव ही सच्चे साझा करती हूँ। हाँ तो साथियों, मेरी मम्मी को गठियावाद की बीमारी बहुत कम उम्र में हो गई थी, इस वजह से वे बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाती थी। करीब 16-17 साल वो बिस्तर में रहीं। मैं हृदय से आभारी हूँ अपनी दोनों भाभियों की, जिन्होंने अपनी माँ से भी बढ़कर मेरी मम्मी की सेवा की और मम्मी को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। आज मम्मी दुनिया में नहीं है, लेकिन भाभियों के आंचल में आशीष की वो धरोहर दे गई, इसकी वजह से आज उनके बच्चे अच्छी पोस्ट में हैं और सुखी हैं। मैंने भी उनसे ही सीखा है। साथियों, मैं जितना हो सकता है अपनी सासू माँ की सेवा करती हूँ, भोजन उनकी पसंद का बनाती हूँ, अपने हाथों से उनकी रोज मालिश करती हूँ और उनकी बातें भी सुनती हूँ। भले ही मैं भगवान की पूजा में समय नहीं दे पाती, लेकिन उनकी सेवा में कोई कटौती नहीं करती। अगर हर बहू बेटी ईश्वर से अधिक मान घर के बुजुर्ग को देने लगे तो ये वृद्धाश्रम ही बंद हो जाएंगे। इस मंच से मुझे ये सौभाग्य मिला है बुजुर्गों के लिए कुछ कहने का, तो मेरा बुजुर्गों से भी निवेदन है कि वे भी समय के साथ अपने को बदलें और अपने बच्चों के ऊपर अपने मीठे शब्दों, संस्कारों, अनुभवों और आशीष की बारिश हमेशा करें। धन्यवाद।
दोस्तों, बुजुर्ग बरगद के उस विशाल वृक्ष की तरह हैं जिनकी छाव तले परिवार सुख समृद्धि पाकर फलता फूलता है, जिनसे एकजुट रहने का आत्मबल मिलता है। संसार की चुनौतियां शूल की तरह भले हमारी राह में आ जाएं, मगर बुजुर्गों के अनुभवों से, उनके आशीर्वाद से वो फूल में बदल कर संसार रूपी बगिया को महका देते हैं। दोस्तों, जब विवाह के बाद संतान का जन्म होता है, तब माता पिता अपना तिनका तिनका जोड़कर ऐसा आशियाना बनाते हैं जिसमें बच्चे को अच्छा संस्कार, बेहतर जीवन वो देते हैं, और हल पर उसकी ढाल बनकर हर दुख को वह स्वयं सहते हैं, पर उसकी आँच बच्चे को छू तक ना पाए ऐसा सुरक्षा कवच वो आजीवन देने की कोशिश करते हैं। वही बच्चे जब बड़े होकर आत्मनिर्भर हो जाते हैं और पेरेंट्स या जो बुजुर्ग हैं वो उम्र दराज होकर असहाय हो जाते हैं, तो जैसे उनका अस्तित्व लड़खड़ाने लगता है। आज बहुत से परिवारों के बुजुर्ग कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जिस बच्चे को उन्होंने उंगली पकड़कर खड़े होना, चलना सिखाया, वही बच्चे उनकी अस्वस्थता पर, शारीरिक कमजोरी और आर्थिक संबलता के अभाव में उन्हें छोड़कर दूरी बनाने लग जाते हैं। बेहद दुखद अवस्था है यह दोस्तों। एक ओर ईश्वर को पिता और देवी को माता मानकर हम दिन रात पूजन करते हैं, और साक्षात घर में ईश्वर के सदृश माता पिता का हम तिरस्कार करते हैं। आज के बड़े बुजुर्ग आशियाना और भोजन की तलाश में रास्तों पर भटक रहे हैं, तो कहीं वृद्धाश्रम में शरण लिए हुए हैं, जहां उनकी आंखें अपनों की तलाश में अब भी झरझर बहती हैं और बच्चे अपनी अंधी दुनिया के छलावे में मस्त रहते हैं। घर के मालिक बुजुर्ग अपने ही घर में नौकर या तिरस्कृत व्यक्ति की तरह एक कोने में बैठे रहते हैं, और बच्चे फ़ोन कंप्यूटर की वर्चुअल सोशल दुनिया में लोगों के साथ गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के दिन रात के मैसेज भेजकर व्यावहारिकता निभाने में व्यस्त रहते हैं, और बुजुर्ग दो बोल सुनने को तरसते रह जाते हैं। आज के युवा पश्चिमी संस्कृति का अंधा अनुसरण कर एकल परिवार प्रणाली को अपनाकर अपनों से ही किनारा कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि बुजुर्ग ही उनके जीवन की वास्तविक पूंजी है और उनके बिना उनकी खुशियां अधूरी हैं। दोस्तों, बुजुर्ग अनुभवों का खजाना है, जीवन पथ पर ले जाने वाले पथ प्रदर्शक हैं, उनके साथ से हर संकट टल जाते हैं, आने वाली हर बाधा खुशियों की हार बन गले लग जाती है। कल उन्होंने संभाला, अब युवाओं की बारी है, कर्तव्य और जिम्मेदारी निभाने की अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है। धन्यवाद। बुज़ुर्गों का आशीर्वाद हम सबके साथ ऐसा ही सदैव बना रहे, और इसी आशीर्वाद को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे हमारे चमेली भाभी के पास। देखते हैं कि अब वो क्या कर रही हैं अपनी ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में। आज मेरा फर्स्ट सेशन है FB में मेकअप ट्यूटोरियल का। अब तो मैं कोई भी गलती सहनी नहीं कर पाऊंगी। इस बार टाइम और टॉपिक को पहले से ही तैयार कर लूंगी। 15 अगस्त की तरह फिर से मुझे कुछ मिस नहीं करना। चलो तो आज क्या करेंगे? सबसे पहले तो श्री गणेश को प्रणाम करती हूँ और अपनी क्लास की शुरुआत करती हूँ। हेलो एवरीवन, आप सबको यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती। ब्यूटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज का सबसे पहला लेसन आपके लिए है होंठ को सुंदर बनाने का।
हीरोइन की तरह आप भी चाहती हैं कि आपके लिप्स दिखें, तो सबसे पहले आपको चाहिए टिश्यू पेपर, लिप लाइनर, क्रीम और आपकी फेवरेट लिपस्टिक। अब सबसे पहले अपने लिप्स पर क्रीम लगा लीजिए ताकि लिप्स मॉइस्चराइज रहें। अब अपने लिप्स को पॉइंट कीजिए ऐसे, हाँ, अरे लिप लाइनर से शेप दीजिए एकदम धनुष जैसा। अब रंग भरिए यानी कि लिपस्टिक लगाइए। नेक्स्ट टिश्यू पेपर को अपने होठों पर अच्छी तरह से रगड़िए ताकि जितने भी जो एक्स्ट्रा लिपस्टिक है वो निकल जाए। आप ध्यान से दोबारा लिपस्टिक लगा लीजिए। अब आप अपने को मिरर में देखिए, हीरोइन से कम नहीं लग रही है ना। तो बस अब लास्ट स्टेप, अपने मास्क को उठाइए और अपने फेस पर लगाइए। चमक छल्लो का किरदार निभा रही हैं आकांक्षा दुबे जी। आइए दोस्तों, अब हम सीधे रुख करते हैं हमारे कार्यक्रम बॉलीवुड में, जिसमें सबसे पहले हम आपको गीत सुनाएंगे फिल्म मिस्टर आशिक से। और ये गीत आपके लिए लेके आए हैं करण चौहान जी। गीत के बोल हैं मेरा चांद मुझे। पर इतना सा
के गुजर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर। अभी लबों को लबों ने छुआ नहीं, अरमां कोई पूरा हुआ नहीं। अभी लबों को लबों ने छुआ नहीं, अरमां कोई पूरा हुआ नहीं। अभी आशिक गुलशन खिलना है, अभी तो जिस को मिलना है, देखूंगा भी मैं वो मंजर, देखूंगा भी मैं वो मंजर, है रात जरा थम थम के गुजर, है रात जरा थम थम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर, है रात जरा थम थम के गुजर, है रात जरा थम थम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर, आया है नजर, आया है नजर। दोस्तों अगला गीत लेके आई हैं वसुधा सेन, फिल्म है घर और गीत के बोल हैं तेरे बिना। आइए सुनते हैं वसुधा सेन को। तेरे बिना जिया जाए ना, 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 बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना, हो
साजना सासों में सांस आए ना हो तेरे बिना जिया जाए ना तेरे बिना जिया जाए ना। दोस्तों आंचल और शीला वर्मा जी की अनोखी जोड़ी के बारे में तो मैं आपसे कई बार बोल चुकी हूँ। जी हाँ, शीला वर्मा जी आंचल वर्मा जी की नानी हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी। बिल्कुल, तो इसी डुएट में आइए हम सुनते हैं आज हमारी अगली पेशकश। फिल्म है जख्म और गीत के बोल हैं गली में आज चांद निकला। गली में आ चांद निकला
चारिकला जाने कितने दिनों के बाद गली में आचा निकला। अगले गीत की प्रस्तुति आपके लिए लेके आए हैं शशि निषाद जी। फिल्म का नाम है वक्त और गीत के बोल हैं आगे भी जाने ना तू। Thank you.
हमारी आखिरी पेशकश आज करने जा रही हैं ममता बघेल जी, फिल्म है एक महल हो सपनों का और गीत के बोल हैं दिल में किसी के।
तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे आज विदा लेने का। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। हम आपसे बुधवार को मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।